और उसमें फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था, है ना, लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला होता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले के अंदर एन क्या है, यहां पे जो पावर में एन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में या ये फॉर्मूले में वेरिएबल क्या है ये बताओ पहले, इस फॉर्मूले में वेरिएबल क्या है? तो इस फॉर्मूले में जो वेरिएबल है वो एक्स है, जिसके टर्म्स में लिमिट होती है वो वेरिएबल होता है, इसका वेरिएबल एक्स है पहली चीज। इस एक्स के अलावा सारी चीजें कॉन्स्टेंट है इसमें, ठीक है। वेरिएबल क्या है? एक्स। ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। एन क्या है? कॉन्स्टेंट है। एन जो है वो पावर है। एन क्या है? यहां पे पावर है। तो जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए बेस है, तो बेस जो होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होता है। ए टू द पावर एन में बेस क्या है? ए है। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन जो है वो एक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर एन एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब एन नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा। अगर एन की वैल्यू 1/2 हो गई तो यहां पर जो एक्स की पावर 1/2 है वो रूट एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की पावर एन में हम एक्स को बेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ए की पावर में, ए की पावर एन में ए बेस है। तो किसी भी एक्सपोनेंट का जो बेस होता है, कॉन्स्टेंट बेस होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो कॉन्स्टेंट आंसर आ रहा है, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले से एक्जेक्टली मैच करता है तो फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसका एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूला कुछ और था, ये तो हम ज्यादातर यूज करते हैं इसलिए इसको डिराइव कर लिया हमने। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था वो देखो, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए फॉर्मूला था एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन, ये फॉर्मूला था। जो एक्चुअल फॉर्मूला वो ये है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए m को 1 रख दिया गया और कुछ नहीं किया उन्होंने। जब m को हम 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। m को और कोई नंबर रखेंगे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m का फॉर्मूला होता है, ऊपर पावर क्या है n, नीचे पावर क्या है m, n अपॉन m a की पावर n माइनस m, ये एक्चुअल फॉर्मूला है इस लिमिट का। अब आप देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो रियलिटी में ये फॉर्मूला है जो हमें लगाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपके बुक का ये सवाल है, देख लो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लो है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा, बस आपके बुक में नहीं है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब देखो क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है, देखो लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है, x टेंड्स टू a है तो z टेंड्स टू 1 है। आपको ध्यान रखना है कि a सेम होना चाहिए तीनों, देखो 1 1 1 सेम है, x सेम होना चाहिए, x z हमारा सेम है, देखो x x x z z z पावर देखो 1/3 है 1/6 है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं यहां पे, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1 है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो बाकी सारी चीजें ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस, इस 1 को लिखूंगा 1 की पावर 1/3, पावर सेम करने के लिए 1 की पावर 1/3 1 ही होता है, अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल मैच करता है हमारे इससे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा m, m क्या है 1/3 ऊपर वाली पावर डिवाइडेड बाई नीचे वाली पावर और 1 की पावर 1/3 माइनस, तो 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, 1/3 अपॉन 1/6 क्या बन गया 2, तो 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आया सबको कैसे किया सॉल्व? ये आपकी बुक में कुछ दे रहा है, इससे कर सकते हैं डायरेक्ट एक स्टेप में, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर हम 1+x की पावर 5 है माइनस 1/x है, तो एग्जांपल करना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला वो इसमें 1+x की पावर 5 है, यहां पे पावर नजर आ रही है हमें, और आप 1 की पावर 5 भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल अलग अलग है, यहां पर x है यहां 1+x है, इस 1+x को आप चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जो 1+x की पावर 5 वो वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो समस्या क्या आके अटक रही है कि यहां पर x है, यहां पर भी x है, और यहां क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहां क्या है? 1 है a, यहां पर क्या है? 0 है, ये भी अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, x पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पुट करना है, क्या करना है, 1+x को y पुट कर देना है, बस इतना काम करना है। जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो इसकी वजह से हो रही है, 1 प्लस
ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था, x की पावर n, तो ये y की पावर बन जाएगा, इसको y मान लेंगे 1 plus x को, जैसे ही आप 1 plus x को y मान, ठीक है, बात नहीं कर रहा हूं, पहले 1 plus x को रखो y, 5 माइनस 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, 1 में तो कोई चेंज नहीं आना, x की वैल्यू रखनी, की वैल्यू निकालो यहां से, तो देखो बिल्कुल सही बैठ गया क्वेश्चन, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपन y, ठीक है। अब लिमिट में x के टर्म्स में x की वैल्यू कहां की तरफ अप्रोच कर रही है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो x को रखो 0 उसमें, तो y की वैल्यू कहां की तरफ अप्रोच करेगी, तो क्या लिखेंगे यहां पे, y टेंड्स टू 1, सही बात, एक पुट करने से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको पढ़ के देखो, इससे मैच कर रहा है फॉर्मूले से, लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपन y माइनस 1 हो गया। अब इसमें लगा दो आप आंसर, तो इसका फॉर्मूला क्या था, n, n क्या है 5, a क्या है 1 की पावर 5 माइनस 1, 1 की पावर 1 ही रहेगी तो आंसर क्या होगा 5 आंसर इस क्वेश्चन का, समझे बात। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और था, ये तो सबसे छोटा मेथड है, एक तरीका और है, दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड है जिसमें हम पुट नहीं करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ था, तो मैं इसमें पुट नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से सेटल करूंगा, कैसे करेंगे देखो, 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, मतलब 1 प्लस x की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, 1 को लिख दिया 1 की पावर 5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x प्लस 1 माइनस 1, तो ये जो x लिखा है इसके साथ क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो देखो मैच करने लग गया, ये जो यहां x है वही यहां x होना चाहिए, यहां जो a है वहां वही a यहां होना चाहिए। अब लिमिट की समस्या आती है, अब देखो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले में लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू a होती है, हम x की जगह पे क्या देख रहे हैं 1 प्लस x, और a की जगह पे क्या देख रहे हैं 1, यहां क्या लिखा है x टेंड्स टू, तो लिमिट में आप दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ लिमिट में 1 ऐड कर सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो x प्लस 1 की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगी, क्यों, x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो x को जब 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 1 कहां की तरफ अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो ये तरीका अभी सॉल्व करने का बेटर मेथड ये जो हमने पहले लगाया है, ठीक है। अब देखो आप सही बैठ गया क्वेश्चन, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये देखो a 1 और ये 1 और ये 1, बिल्कुल सही है, फॉर्मूले से मैच करने लग गया क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या आंसर होता है n 5 a 1 की पावर 5 माइनस 1, कितना आंसर होगा 5, कौन सा मेथड लगाएंगे हमेशा, पुट करने वाला लगा लो, ये आसान है, इससे करना सॉल्व, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये आ गया, देखो सेम सवाल है, क्या करना है, अब देखो ये x प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, दो तरीके लगा सकते हो, या तो ये वाला मेथड लगाओ या पहले वाला मेथड लगाओ, अगर आप सेकंड वाला मेथड लगाओगे तो आपको यहां पर प्लस 2 माइनस 2 करना पड़ेगा और इधर प्लस 2 करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अगर हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे लिमिट में, x की वैल्यू अगर a की तरफ अप्रोच कर रही है तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट के ऊपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 अपॉन क्या करेंगे यहां पे प्लस 2 माइनस 2, तो x प्लस 2 माइनस इसको लिखेंगे a प्लस 2, अब देखो माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाएंगे तो x माइनस a ही बचेगा, तो ये क्वेश्चन बन गया, देखो बिल्कुल सही ये हो गया, x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से मैच होना चाहिए क्वेश्चन। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, n n 5 बाई 3 है, ठीक है 5 बाई 3 करेक्ट, यहाँ 5 बाई 3 लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n, n क्या है 5 बाई 3 a प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 बाई 3 a प्लस 2 की पावर 2 बाई 3, ये आंसर हो गया, दो दो स्टेप के एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन देखते पता लगता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें, आप लिमिट को डायरेक्ट रख दो 0 बाई 0 फॉर्म आएगी, रख के देख लो आप इसमें, जब आप लिमिट रखोगे a तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 बाई 3 a माइनस a, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 0 बाई 0 फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए ये मेथड बना है, आप इस लिमिट के अंदर रख के देखो a, रख के देखो इसमें a तो 0 बाई 0 आएगा, तो 0 बाई 0 को एलिमिनेट करने के लिए बनी है वाली फॉर्म, और जितने भी फॉर्मूले हैं लिमिट के सिर्फ एक इकलौता फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a होती है, नहीं तो जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे अभी तक फॉर्मूला आया कोई लिमिट का, अभी तक आपके सामने लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं आया, सबसे पहला फॉर्मूला ये, आज आप फॉर्मूले पढ़ोगे सारे, जितने भी फॉर्मूले बने हैं लिमिट के
सारे फॉर्मूले में लिमिट हमेशा जीरो की तरफ अप्रोच करती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही होगी हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में लिमिट जीरो है, ये इकलौता फॉर्मूला एसेंस में लिमिट एक्स टेंस टू ए है, इसको ध्यान रखेंगे ठीक है, इसमें बोला नहीं इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं इसके एक्स्ट्रा। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, पहले ट्वेल्थ में आया करता था, पहले ट्वेल्थ में थी लिमिट, तो ट्वेल्थ में बोर्ड में आता था क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके ऊपर टू मार्क्स का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स की पावर एन माइनस टू की पावर एन अपॉन एक्स माइनस टू, क्या दे रखा है 80, तो बोल रहे हैं एन की वैल्यू बताइए, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, देखो बिल्कुल सेम, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा फॉर्मूला, एन टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिखा है 80। अब क्या करेंगे 80 के फैक्टर बनाएंगे, 80 के फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से कि वो 2 की पावर में एक्सप्रेस हो सके, तो 80 को आप फैक्टराइज कर लो, 80 के फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, 5 इंटू 16 होता है 2 की पावर 4, 5 इंटू 2 की पावर 4 16 पंजे 80 होता है, 16 इंटू 5 है ना 80, तो देखो 2 की पावर n माइनस 1 है, 2 की पावर क्या है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1, बोलो सही है, मैच कर रहा है इससे, देखो तो n की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, बस नीचे इसने 6 पावर की है, यहाँ 2 पावर की है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, पहला काम x प्लस 1 टेंस टू 1, ये 1 प्लस x की पावर क्या है 6 माइनस इसको लिखेंगे 1 की पावर 6 अपॉन इसको लिखेंगे 1 प्लस x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, देखो x x सेम है, a a सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर 1 की पावर 6 माइनस 2, 1 की पावर 1 ही रहेगी, क्या आंसर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, स्पेशल लिमिट समझ में आई कैसे लगाते हैं, स्पेशल लिमिट 12th में यूज होगी, तो इसको ध्यान रखना लिमिट में यूज होगी, ये मैंने 12th के सारे क्वेश्चन बता दिए, तो मैं जो 12th में आते हैं ठीक है, हम जो भी लिमिट की चीज पढ़ रहे हैं वो 12th के लिए पढ़ रहे हैं, 11th में आपकी लिमिट इतनी ज्यादा नहीं है मुश्किल, 12th वाली लिमिट मुश्किल है,